वही अगली खबर राजधानी देहरादून से है, जहां मॉनसून के आगमन के बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर पूरे प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 15 और 16 जुलाई को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। खासकर इस दौरान मौसम विभाग ने कुमाऊं के अधिकांश जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वही मैदानी इलाकों में भी इस दौरान बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि 15 और 16 जुलाई को पूरे प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि 17 और 18 जुलाई से पूरे प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसके चलते लोगों को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है ताकि जान माल का नुकसान ना हो। देहरादून से स्टेट हेड अवनीश जैन की रिपोर्ट। और 16 तारीख में जो है उत्तराखंड में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है, और साथ ही जो पर्वतीय क्षेत्र जिले हैं वहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा भी मिल सकती है। तो इसमें खास करके जैसे पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, चंपा या पौड़ी देहरादून जनपद है इनमें। उसके बाद 17-18 में जो है थोड़ी सी एक्टिविटी बढ़ने की संभावना लग रही है। तो इसमें जो है अधिकांश स्थानों पर उत्तराखंड में जो है हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। साथ ही जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है, जबकि जो पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है वहाँ कहीं कहीं भारी से लेके बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है। तो देखेंगे कि अभी जो अगले 4-5 दिनों में जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी देखने को मिलेगी, जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है उसके साथ इंटेंस या वेरी इंटेंस स्पेल भी कहीं कहीं जो है मिलने की संभावना है।